गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त होंगे और मैं एक मस्त हूँ। आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है, 8 बजने वाले हैं, उससे बजने वाले हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरा बन रहा है नाश्ता, क्योंकि बच्चे तो चले गए। अब मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ और उसके बाद हम नहाएंगे धोएंगे नाश्ता करेंगे, फिर हमें जाना है आधार कार्ड अपडेट करवाने की, जो कि उसके लिए लगती है काफ़ी लंबी लाइन। तो देखो आज जाके देखते हैं कि हमें लंबी लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो आपको वहीं जाके पता चलेगा। और जाने से पहले हमने पकड़ा है एक चूहा। अगर आपके घर में और या फिर आपके पड़ोस में कोई चूहा आपको परेशान कर रहा है तो हमारी शॉप में मिलता है रेड मैट, रेड पकड़ने वाला मैट। मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे चूहा पकड़ा है। काफ़ी देर से पकड़ लूँ, उसके चक्कर में पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है, सारी चीज़ें हटाई इधर से उधर इधर से उधर करी है, तो जाके तब चूहा पकड़ा गया है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहीं कोने कोने में घुसता है। अब ये मैट है, मैट को मैंने खोल के रख दिया, इसमें एक रोटी का टुकड़ा रखा, अब उसको खाने के चक्कर में आया और यहीं फंसा रह गया। उसे भाग फेंकने, ये मैट काम का है तो उसको हटा के फेंकना पड़ेगा। और कल इसमें दो छिपकली चिपकी क्योंकि चूहा दो तीन दिन से परेशान कर रहा था और मिल नहीं रहा था, रोज सामान इधर से उधर हो जा रहा था पर ये हमारे हाथ नहीं आ पा रहा था क्योंकि छोटी चूहिया है, बड़ा चूहा तो फिर भी पकड़ जाता है, छोटी चूहिया आसानी से हाथ नहीं आती। चलो मैं नाश्ता बना लूँ फिर आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। देखो गाइस लंच वगैरह सब कुछ हो गया है, अब हम जा रहे हैं आधार कार्ड अपडेट करवाने। हमारी गाड़ी भी निकल गई है और पहुँच रहे हैं, 9 बजने के लिए 15 मिनट है। देखो गाइस आज दुकान बंद करनी पड़ी, बहुत बुरा लग रहा है, पर कुछ काम करने के लिए कुछ काम छोड़ने भी पड़ते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, पहले हम बिलवा जाएंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ कैसा काम हो रहा है, उसके बाद अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो फिर हम जाएंगे आजेट नगर। आज तो आधार कार्ड बन के ही रहेगा, मतलब अपडेट होके ही रहेगा। 3-4 दिनों से बारिश नहीं हो रही है तो कितनी धूप हो रही है, बाप रे। अभी जबकि 9 भी नहीं बजे हैं, बच्चों का स्कूल है, बच्चों की अगर ज़रूरत होगी तो तुरंत स्कूल से लेके आ जाएंगे। बिलवा में तो दुकान बंद है। देखो गाइस हम 1 घंटा पहले आ गए, 10 बजे खुलेगी बैंक, 12 बजे हम जा रहे हैं, अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, डिसाइड करेंगे सब से आपको बताते हैं। देखो गाइस अजीत नगर में तो बहुत भीड़ हो रही है और कह रहे हैं मैडम 12:30 बजे आएगी, तो अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी मार्केट भी नहीं खुला होगा क्योंकि 9:30 बज रहे हैं, तो मार्केट फिर उसी टाइम आएंगे 12:30 बजे। अगर मार्केट का ये सीधा मार्केट चले जाएंगे, मैं इधर अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लूँगी, मतलब बच्चों का। देखो गाइस हम आजट नगर से आ गए हैं, आके मैंने खोली दुकान, अब हस्बैंड जी जा रहे हैं गाँव, क्योंकि हस्बैंड जी को गाँव से लेना है राशन, जो मंथली राशन हमें मिलता है। और ये आप देख ही रहे हो कितना पसीना हो रहा है क्योंकि उमस बहुत है, क्या करें गर्मी बहुत है, बादल तो हो रहे हैं पर बारिश नहीं हो रही है, और बारिश हो भी जाती है तो थोड़ी देर बारिश होती है फिर धूप आ जाती है तो डबल उमस हो जाती है। तो ये जो जुलाई और अगस्त का महीना है ये काटना बहुत ही मुश्किल है, मतलब मुश्किल तो नहीं है पर मुश्किल बन जाता है गर्मी में। आप जब चुपचाप बैठे रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा काम कर लो तो बहुत दिक्कत है। देखो गाइस बादल तो काफ़ी बने हुए हैं पर जो ये बादल है ये बरसने का नाम नहीं ले रहे, मैं शटर थोड़ा और डाउन कर देती हूँ, बादल तो आ रहे हैं। देखो गाइस बच्चे आ गए स्कूल से, अब हम जा रहे हैं आजट नगर क्योंकि फॉर्म की वहाँ पे बहुत भीड़ चल रही है, मारकाट चल रही है ऐसी लग रहा है, जो फॉर्म नहीं मिल पा रहा। चलो हम सब बैठ के अब जा रहे हैं स्कूटी से, हमें शॉप कर दिया क्लोज़, हम आएंगे थोड़ी देर में, मिलते हैं आपको सीधा आजट नगर डाक खाने। देखो गाइस पीछे से सीक्रेट आर्टी बस आ रही है, बदल के हम जा रहे हैं आजट नगर, बस आगे जा रही है। सुबह 9:30 बजे से इंतजार कर रहे थे, अभी तक यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है और ये फॉर्म मेरे हाथ में है और यहाँ पे इधर से उधर दौड़ा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैं क्या बताऊँगा किसको कंप्लेंट करूँ, ये ब्लॉक वायरल होना चाहिए, दूर दूर तक जाना चाहिए, इधर से उधर कर रहे हैं इधर से उधर कर रहे हैं। कुछ किस हम आए बिल्बो बैंक में, इधर चल रही भैंस। देखो गाइस मैंने खाना तो खा लिया है और अब मैं खाने जा रही हूँ आम, 2-3 पीस खा भी लिए मैंने और मैंने सोचा मैं दिखा दूँ आपको कि मैं बहुत थक के आई हूँ डाकर से, फिर बिल्बो गई, बिल्बो से फिर यहाँ आई, आज पूरा दिन भाग दौड़ में रह गया मेरा। देखो गाइस थोड़ा खा पी के थोड़ा सा आराम करा, 5-10-15 मिनट हो गए, बच्चे ट्यूशन चले गए, मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना है यहाँ पे ही थोड़े से आगे वाली गली में, हमारे है सत्यनारायण की कथा है तो उनके यहाँ कथा में जाना है, तो शाम को 5 बजे शुरू होनी थी, अभी बज रहे हैं 5:30, तो मैं थोड़ा सा कुछ अपनी रात की तैयारी करती हूँ, रात की तैयारी करके जाती हूँ
क्योंकि बच्चे आ जाते हैं 6 बजे ट्यूशन से, फिर खेलते हैं, फिर साथ में उन्हें खाना चाहिए होता है। तो आपको पता ही है पूजा पाठ का तो कोई टाइम नहीं होता, तो मैं थोड़ा लेट ही जाऊँगी। अभी वाई की शॉप है तो मैंने बोला कि हाँ शुरू हो गई है, अभी शुरू हुई है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लास्ट वाला अटेंड कर पाऊँ, अब वो वहाँ जाके पता चलेगा। तो मैं अपने थोड़ा सा घर की खाने बनाने की तैयारी करके रखी हूँ, ताकि मैं आऊँ तो मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि बच्चों को खाना चाहिए होता है। मेरे बाल भी खुले हैं और मैंने कपड़े उतार के मैक्स पहन ली थी, अब नहा के फिर दूसरे कपड़े पहन के जाऊँगी, तो आपको उधर ही मिलूँगी। साबर से खाना बना लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, मतलब रोटी तो आके सीखूँगी। देखो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, मेरी बन गई है सब्जी, रोटी बनाऊँगी आके, बहुत ही गर्मी है, मैं जा रही हूँ भाई। मैंने ये थोड़े से लिए थे आम, तो मैं जा रही हूँ मैंगो लेके पन्नी में, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, गई तो मैं मार्केट 2-3 बार थी अजीत नगर पर, ध्यान ही से उतर गया, वो आधार कार्ड का ही टेंशन थी तो दिमाग से निकल गया, पर मेरे घर में फूल्स रहते हैं। देखो गाइस हमारी गली से आगे वाली गली में ही ये प्रोग्राम है, मैं चल गई हूँ, सामने मेरी दुकान दिख रही है। Come on.
लोग आ गए वहाँ से, पर आरती नहीं हुई थी, पर हम थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि बच गए हैं 9, फिर बच्चों को खाना वाना भी देना था, थोड़ा पढ़ाई करेंगे। और मैं जा रही हूँ रोटी सेकने, क्योंकि मैंने सब्जी तो बना ली थी पहले, और स्पीकर से कान ऐसे सुन हो गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अभी, कुछ टाइम तक नहीं सुनाई देगा, फिर सुनाई देने लगेगा। चलो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में खा पी के। देखो गाइस, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और मैंने बनाए थे कद्दू की सब्जी, परांठे जो मैंने अभी सेके हैं, और दूध, ये हस्बैंड जी की थाली है, उसके बाद मैं भी खाऊंगी और बच्चे भी खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे। और बहुत ही यम्मी बनाया कद्दू। आई होप गाइस ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल आरती निकी गंगवार में। तब तक के लिए राम राम, जय भोलेनाथ।